हेलो दोस्तों, टेस्ट बिहार का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार और यूपी का फेमस रेसिपी आलू और टमाटर का चोखा बनाएंगे। इसको भरता भी बोलते हैं, आलू टमाटर का भरता। इसको मेन लिट्टी के साथ बनाया जाता है दोस्तों। ऐसे आप इसको सिंपल चावल दाल के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम लोग टमाटर लेंगे, उसको थोड़ा सा कट करके इसको चूल्हे पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए इसको रोस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं जितना क्वांटिटी में आप बनाए उसी हिसाब से आप टमाटर को रोस्ट कीजिएगा। उसके बाद उधर टमाटर रोस्ट हो रहा है तो हम लोग इधर आलू को मैश कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आलू को बॉयल कर लिया था पहले ही, और उसके बाद उसको आलू का छिलका निकाल के उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को वैसे आप टमाटर के जैसा रोस्ट भी कर सकते हैं। तो टमाटर भी देखिए दोस्तों रोस्ट हो गया है। अब हम लोग इसका ऐसे ऊपर से थोड़ा सा छिलका ऐसे निकाल लेंगे और इसको कट कर लेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा इसे मैश कर लेंगे। और हम लोगों ने जो आलू को मैश करके रखा है उसी के साथ टमाटर को मिला लेंगे, और थोड़ा सा इसे अगर ब्लैक ब्लैक छिलका अगर रहा हो तो साथ में तो उसको निकाल के फेंक देंगे। और उसके बाद उसमें हम लोग नमक मिलाएंगे, सबसे पहले प्लेन सॉल्ट, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट काला नमक, फिर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा चोखा का। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देंगे दोस्तों। तो उसके लिए कोई कढ़ाई या कोई ऐसे ही पैन ले लेंगे छोटा सा, और उसमें सरसों तेल गरम करना। सरसों तेल का तड़का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके साथ उसमें जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन एक दो कली, और प्याज कट करके थोड़ा सा इसमें रोस्ट करके डाल देंगे। ऐसे आप हरी मिर्च प्याज और दोनों को थोड़ा सा धनिया पत्ता को ऐसे कच्चा ही डाल सकते हैं, तो रोस्ट करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तेल में आप जीरा और लहसुन का सिर तड़का लगा सकते हैं। तो ऐसे या वैसे जैसे आपको पसंद हो वैसे आप तड़का लगाइए। तो सब कुछ अच्छे से जब रोस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम लोग ये जो आलू और टमाटर को रोस्ट मैश करके रखे हैं उसमें ये तड़का लगा देंगे दोस्तों, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया आप स्प्रिंकल कर दीजिए, और आलू टमाटर का चोखा बनके रेडी है दोस्तों। इसको आप सिंपल आप चावल दाल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। रोटी के साथ खाइए और फिर लिट्टी के साथ इसको खाया ही जाता है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।